तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से किसी भी वीडियोस का आप लोग बैकग्राउंड जो है उसको ब्लर कर सकते हो। दोस्तों सबसे पहले तो आप लोग इस मेरी वीडियोस को ही देख सकते हो। इस वीडियोस को रिकॉर्ड करने से पहले कुछ इस तरह की दिख रही थी, एंड जब मैंने इस वीडियोस का बैकग्राउंड ब्लर कर दिया है तो अब आप खुद स्क्रीन पे देख सकते हो ये वीडियोस कुछ इस तरह की दिख रही है। तो दोस्तों इस तरह से ही आप किसी भी वीडियोस का जो बैकग्राउंड है उसको ब्लर या फिर चेंज कर सकते हो। एंड दोस्तों बहुत सारे ऐसे छोटे क्रिएटर हैं जिन लोगों के पास अभी तक भी एक अच्छा सा सेटअप नहीं है, एंड वो लोग अच्छे सेटअप होने की वजह से वीडियोस को रिकॉर्ड नहीं करते हैं और अपने चैनल पे वीडियोस नहीं डालते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप लोग अपनी वीडियोस का जो बैकग्राउंड है उसको ब्लर कर सकते हो या फिर उसको चेंज कर सकते हो और उसकी जगह पर कहीं कोई दूसरा बैकग्राउंड ब्लर मतलब लगा सकते हो या फिर कोई भी बैकग्राउंड सेटअप लगा सकते हो, जिसकी वजह से आपकी वीडियोज कुछ प्रोफेशनल तरीके से बनेगी। एंड बहुत सारे क्रिएटर जो कि इस तरह की वीडियोज को अपलोड भी कर रहे हैं, तो अगर आप इस तरह से वीडियोज बना करके अपलोड करते हो तो आपका जो बैकग्राउंड है वो कुछ प्रोफेशनल तरीके से लगेगा, एंड हर क्रिएटर को आप पे ट्रस्ट भी होगा क्योंकि उनको लगेगा कि हाँ एक बड़ा क्रिएटर है एंड ये अच्छे सेटअप टूल के साथ वीडियोस को डाल रहे हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आपको सारा प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप लोग किसी भी वीडियोस का जो बैकग्राउंड है उसको ब्लर कर सकते हो या फिर उसका जो बैकग्राउंड है उसको चेंज कर सकते हो। तो आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो वीडियोज को इन तक ही देखिएगा। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए वीडियोज को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों इस तरह से किसी भी वीडियोज का बैकग्राउंड ब्लर करने के लिए या फिर उसका बैकग्राउंड चेंज करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा। सबसे पहले तो आपको एक वीडियो रिकॉर्ड कर लेनी है जिस भी टॉपिक पर आप लोग वीडियोस को बनाना चाहते हो। तो सबसे पहले आपको एक वीडियोस को रिकॉर्ड करना है जिस टॉपिक पे आपको वीडियोस बनाना है, यानी पूरी वीडियोस को आपको रिकॉर्ड कर लेना है। एंड उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा जो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बता रहा हूं इस स्टेप को फॉलो करना है, एंड आप लोग अपनी वीडियोस का जो बैकग्राउंड है वो 100% चेंज या फिर ब्लर कर पाओगे। तो चलिए अब चलते हैं अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पर, एंड फाइनली आप लोगों को बताते हैं किस तरह से वीडियोस का जो बैकग्राउंड है उसको चेंज या फिर ब्लर करना है। तो दोस्तों मैं आ गया हूं अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पर, एंड चलिए अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि किस तरह से आप लोग किसी भी वीडियोस का जो बैकग्राउंड चेंज या फिर ब्लर कर सकते हो। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको एक वीडियोस को जो रिकॉर्ड कर लेना है, एंड उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, सिंपल से। सबसे पहले तो आपको अपने काइन मास्टर एप्लीकेशन को जो है ओपन कर लेना है, एंड मैं काइन मास्टर एप्लीकेशन से ही आपको बताऊंगा किस तरह से आपको किसी भी वीडियोज़ का बैकग्राउंड चेंज या फिर ब्लर करना है। तो यहाँ पे जैसे ही आप लोग काइन मास्टर एप्लीकेशन को ओपन कर लोगे तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे वेट करना है, एंड फिर आप लोगों के सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो अब आपको यहाँ पे क्रिएट न्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, एंड उसके बाद आपको यहाँ पे अपनी वीडियोज़ का जो एक्सपेक्ट रेशियो है जो कि 16:9 होता है, तो इस रेशियो को आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है यूट्यूब वीडियोज़ के लिए। एंड उसके बाद आपको यहाँ पे क्रिएट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो आप लोग जैसे यहाँ पे क्रिएट वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, एंड उसके बाद आप लोग अपनी सीधे गैलरी में पहुंच जाओगे। तो अब आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा जो वीडियोज़ अभी आपने रिकॉर्ड कर रखा है उसी वीडियोज़ को आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए मैं अपनी गैलरी में आ गया हूँ, एंड जो वीडियोज़ मैंने अभी रिकॉर्ड कर रखा है उसी वीडियोज़ को यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो फाइनली आप लोग यहाँ पे देख सकते हो मैंने उस वीडियोज़ को यहाँ से सेलेक्ट कर लिया है। तो आपको भी कुछ इस तरह से वीडियोज़ को सेलेक्ट कर लेना है, एंड उसके बाद वीडियोज़ के स्टार्टिंग वाले पार्ट में आ जाना है, एंड उसके बाद आपको इसी वीडियोज़ पे क्लिक कर देना है। फिर आपको ऊपर को एक ऑप्शन दिख जाएगा यहाँ पे थ्री डॉट वाला, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। एंड आप लोग जैसे यहाँ पे थ्री डॉट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दोगे उसके बाद आपको यहाँ पे डुप्लीकेट एज लायर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, एंड उसके बाद आपको यहाँ पे एक दूसरा वीडियो आ जाएगा आपके सामने, ठीक है। सेम जैसा ऊपर वीडियो है वैसा ही सेम दूसरा वीडियो आपके सामने यहाँ पे आ जाएगा, एंड इस वीडियो को फुल स्क्रीन में फिट करना है तो इसके लिए आपको थोड़ा यहाँ पे नीचे की ओर बढ़ना है, एंड फिर आपको यहाँ पे स्प्लिट स्क्रीन वाला एक ऑप्शन दिख जाएगा, इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। तो इस वाले ऑप्शन पर जैसे क्लिक कर दोगे उसके बाद आपके सामने यहाँ पे कुछ इस तरह का बॉक्स आ जाएगा, इस वाले बॉक्स पर आपको क्लिक कर देना है। तो इस बॉक्स वाले ऑप्शन पर जैसे ही आप क्लिक कर दोगे तो ये दूसरा वीडियो जो आपके सामने आ गया है तो ये वीडियोज़ भी आपका फुल स्क्रीन में कुछ इस तरह से फेट हो जाएगा जैसे पहला वाला वीडियोज़ था, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, सिंपल से सबसे पहले तो इस वीडियो का जो बैकग्राउंड है उसको रिमूव करना है। तो बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए आपने जो दूसरा वीडियोज मतलब डुप्लीकेट वाला वीडियोज बनाया है तो इस वीडियोज पर आपको क्लिक कर देना है, एंड उसके बाद आपको थोड़ा नीचे को यहाँ पे बढ़ना है तो आपको एक ऑप्शन यहाँ पे दिख जाएगा मैजिक रिमूवर वाला, इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। एंड बहुत सारे लोग जो कि काइनमास्टर एप्लीकेशन को डाउनलोड भी किए होंगे तो उनके ये वाला एप्लीकेशन मतलब ये ऑप्शन नहीं आ रहा होगा, वो लोग देखो काइनमास्टर एप्लीकेशन का लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड कर लें। एंड लेटेस्ट वर्जन कैसे डाउनलोड करना है उस पर भी मैंने एक ऑलरेडी वीडियोज बना रखा है, एंड उस वीडियोज का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो लेटेस्ट वाला काइनमास्टर एप्लीकेशन आप लोग डाउनलोड करोगे तो आपके एप्लीकेशन में ये वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा, एंड जो ओल्ड वर्जन है उसमें ये मैजिक रिमूवर वाला ऑप्शन नहीं है। तो इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है, एंड आप लोग जैसे ही इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, यानी इस वीडियोज़ का जो बैकग्राउंड है वो रिमूव होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इसका जो स्टार्टिंग पार्ट है यहाँ पे एक लाइन स्टार्ट हो जाएगा और ये पूरी लाइन होने देना है, ठीक है। तब तक आपको थोड़ा वेट करना है, एंड जैसे ये पूरी लाइन हो जाती है तो आपकी जो वीडियोज़ का जो बैकग्राउंड है वो रिमूव हो जाएगा, एंड आपको थोड़ा यहाँ पे वेट कर लेना है जब तक ये लाइन पूरी नहीं हो जाती। एंड आप लोग जैसे थोड़ा यहाँ पे वेट करोगे तो आपके सामने फिर से कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो फाइनली अब आपने जो दूसरा वीडियो सेलेक्ट कर रखा था इस वीडियोज़ का जो बैकग्राउंड है वो रिमूव हो चुका है, एंड जो पिछली वाली जो पहले वीडियो सेलेक्ट कर रखी थी उस वीडियोज़ का बैकग्राउंड आपको दिख रहा है। तो अब आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, सिंपल से आपको अब ऐसे ही रहने देना है। एंड अब आपको सबसे पहले तो बैक आ जाना है, और बैक आ जाने के बाद आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, सिंपल सा एक और एप्लीकेशन है जो कि वीडियो एडिटिंग के लिए ही है जो कि उस एप्लीकेशन का नाम है इनशॉट, ठीक है। ये वाला एप्लीकेशन आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, इनशॉट एप्लीकेशन जो कि बहुत ही बेस्ट है वीडियो एडिटिंग के लिए, ठीक है। इस एप्लीकेशन को आपको इंस्टॉल कर लेना है अगर आपने अभी तक नहीं किया, जो कि प्ले स्टोर से मिल जाएगा या फिर गूगल से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। तो अब आपको इस एप्लीकेशन को ओपन करना है, एंड आप लोग जैसे ही इनशॉट इस एप्लीकेशन को ओपन कर लोगे तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर लेना है, एंड आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। फिर आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है,
सिंपल से आपको यहाँ पे वीडियोज वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। एंड इस वाले ऑप्शन पे आप लोग जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, सिंपल से आप लोग यहाँ पे इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। फिर आपको यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। एंड आप लोग जैसे इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दोगे तो आप लोग अपनी गैलरी में पहुंच जाओगे और फिर आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल से जो वीडियो अभी आपने रिकॉर्ड कर रखा था ठीक है उसी वीडियोज़ को आपको यहाँ पे फिर से सिलेक्ट कर लेना है। तो चलिए मैं फाइनली अपनी उसी वीडियोज़ को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। एंड आप लोग यहाँ पे देख सकते हो उसी वीडियोज़ को मैंने यहाँ पे फिर से सिलेक्ट कर लिया है। एंड फिर आपको इसी वीडियोज़ पर आपको क्लिक कर देना है। फिर आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिख जाएगा फिल्टर वाला, इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है और फिर आपको यहाँ पे एडजस्टमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो अब आपको इस वीडियो में थोड़ा एडजस्टमेंट करना है, यानी इस तरह से आपको करना है ताकि इस वीडियो का जो बैकग्राउंड है वो कुछ ग्रीन दिखने लगे ठीक है। तो यहाँ पे चलिए मैं सबसे पहले तो यहाँ पे कॉन्ट्रेस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ और कुछ इस तरह से यहाँ पे बढ़ा देता हूँ, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ, उसको कुछ इस तरह से बढ़ा देता हूँ। तो आपको यहाँ पे कुछ इस तरह से एडजस्टमेंट कर लेना है। एंड उसके बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिख जाएगा फिल्टर वाला, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है और थोड़ा इस तरह से इधर की ओर बढ़ना है तो यहाँ पे एक ये वाला फिल्टर दिख जाएगा ठीक है। इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है और कुछ इस तरह से इसका जो फिल्टर है मतलब यहाँ पे चेंज कर देना है ताकि इसका जो है थोड़ा बैकग्राउंड जो है वो थोड़ा ग्रीन दिखने लगे ठीक है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये वीडियोज़ बिल्कुल बेकार हो गया है ठीक है, दिखने में अच्छा नहीं लग रहा है। तो आपको कुछ भी नहीं करना है सिंपल सा यहाँ पे और ये वीडियो जो है आपका रिमूव हो जाएगा ठीक है, मैं बता रहा हूँ ये स्टेप बस फॉलो कर दीजिए ठीक है। तो अब आपको सबसे पहले तो इस तरह से कुछ वीडियोज़ का जो बैकग्राउंड है वो ग्रीन कर लेना है, इस तरह से चेंज कर लेना है। एंड फिर आपको यहाँ पे थोड़ा इस पर क्लिक कर देना है। एंड उसके बाद आपको यहाँ पे और एक बार मैं इसको एडजस्टमेंट कर लेता हूँ ताकि थोड़ा इसका जो ग्रीन मतलब बैकग्राउंड जो है वो थोड़ा और ग्रीन हो जाए। तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह से मैं यहाँ पे कर देता हूँ ठीक है। तो फाइनली आप लोग यहाँ पे देख सकते हो मैंने इस वीडियोज़ में मैंने एडजस्टमेंट कुछ कर दिया है और इस ये वीडियो जो है हल्का हल्का यहाँ पे देखिए ग्रीन दिखने लगा रहा है ठीक है। इस तरह से आपको भी कुछ इस तरह से एडजस्टमेंट इसमें कर लेना है। एंड उसके बाद आपको इस वीडियोज़ को सेव कर लेना है, सेव करने के लिए ऊपर वाले ऑप्शन पे यहाँ पे सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है तो आपका वीडियो जो है वो आपकी गैलरी में सेव हो जाएगा। तो उसके बाद आपको यहाँ पे सिंपल सा बैक आ जाना है और बैक आ जाने के बाद आपको फिर से अपने काइनमास्टर एप्लीकेशन को ओपन करना है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मैंने फिर से उसी वीडियोज़ को यहाँ पे ओपन कर लिया है। एंड अब आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, सिंपल सा जो ऊपर वाला वीडियोज़ है इस वाले वीडियोज़ पे आपको क्लिक कर देना है। एंड इस वीडियोज़ पे आप लोग जैसे ही क्लिक कर दोगे फिर आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिख जाएगा रिप्लेस वाला, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। एंड उसके बाद आपने जो वीडियोज़ अभी मतलब एडिट कर रखा है ठीक है, जिसका अभी कलर एडजस्टमेंट कर रखा है, जिस वीडियोज़ का अभी बैकग्राउंड जो है वो हल्का ग्रीन कर रखा है उसी वीडियोज़ को आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। तो चलिए मैं यहाँ पे उसी वीडियोज़ को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो मैंने उस वीडियोज़ को सिलेक्ट कर लिया है। तो ये देखो ऊपर वाली जो वीडियोज़ है उसी वीडियोज़ का बैकग्राउंड आ गया और जो वीडियोज़ है नीचे वाला इसका जो बैकग्राउंड है वो रिमूव हो चुका है। तो ये वीडियोज़ है ये सामने आ गया फ्रंटली ठीक है। और यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे देखिए कुछ नहीं करना है, सिंपल से आपको एक ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख जाएगा लायर वाला ठीक है, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है और फिर आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिख जाएगा फिल्टर वाला इफेक्ट वाला ठीक है, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। एंड इस वाले ऑप्शन पे जैसे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिख जाएगा मोसेक ब्लर ठीक है, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। तो इस वाले ऑप्शन पे जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको ब्लर वाला एक इफेक्ट मिल जाएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है और फिर आपको यहाँ पे कुछ इस तरह से बैक आ जाना है। तो यहाँ पे देखिए आपके सामने कुछ इस तरह का ब्लर वाला इफेक्ट आ जाएगा ठीक है। और अब आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, सिंपल सा इसको जो है फुल स्क्रीन में सबसे पहले तो यहाँ पे कुछ इस तरह से पकड़ के सेट कर देना है। तो इस तरह से फुल स्क्रीन में आप लोग जैसे ही कर दोगे उसके बाद आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा ऊपर की यहाँ पे थ्री डॉट वाला, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है और एक ऑप्शन आपको और यहाँ पे दिख जाएगा सेंड टू बैक वाला, सेंड टू बैक वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। तो इस पर जैसे आप लोग क्लिक कर दोगे तो ये जो ब्लर है ये जो ब्लर वाला इफेक्ट है ये देखो वीडियोज़ के पीछे पहुँच जाएगा ठीक है, और आपका जो वीडियोज़ है वो फ्रंट लिया जाएगा सामने आ जाएगा। तो अब इस वाले इफेक्ट पे ही आपको क्लिक कर देना है। फिर आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिख जाएगा सेटिंग वाला, सेटिंग वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। एंड जैसे ही आप लोग सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखिए इसका जो ब्लर है इसको थोड़ा कम कर देना है ठीक है। यहाँ पे बंद पे मैं कर देता हूँ ताकि इस वीडियो का जो मतलब क्वालिटी है कुछ अच्छा लगे ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ज़्यादा ब्लर नहीं हुआ, हल्का सा बैकग्राउंड जो है वो ब्लर हो गया ठीक है। और इस तरह से यहाँ पे देखिए इस पे इफेक्ट पे आपको क्लिक कर देना है और इसको बढ़ा देना है कुछ इस तरह से। तो पूरी वीडियोज में आपको पकड़ के कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे सेट कर लेना है। और इस तरह से आप लोग यहाँ पे देख सकते हो इस वीडियो का जो बैकग्राउंड है वो ब्लर हो चुका है। और अब आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा दूसरा वाला वीडियो है इस वीडियो पे आपको क्लिक कर देना है। एंड इसमें आप लोग कुछ एडजस्टमेंट कर सकते हो जो कि आपके केवल वीडियोज में ही होगा ठीक है, मतलब जो आपका फेस है इसी में होगा और बाकी में किसी में नहीं होगा। देखिए इस तरह से कुछ यहाँ पे देखिए एडजस्टमेंट मैंने यहाँ पे कर दिया है। तो इस वीडियो का जो थोड़ा मतलब तो इस वीडियो का जो क्वालिटी है वो कुछ अच्छा लगने लगा है। एंड फाइनली आप लोग यहाँ पे देख सकते हो इस वीडियो का जो बैकग्राउंड है वो बिल्कुल ब्लर हो चुका है ठीक है। यहाँ पे देखिए पूरा ब्लर हो चुका है और बिल्कुल DSLR कैमरे जैसा लग रहा है। और इस तरह से आप किसी भी वीडियोज़ का यहाँ पे जो बैकग्राउंड है उसको ब्लर या फिर चेंज कर सकते हो। और हाँ, इसमें अगर कोई बैकग्राउंड सेटअप आप लोग लगाना चाहते हो तो उसको भी लगा सकते हो। तो उसको लगाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल से जो फर्स्ट वाला वीडियो है इस पर क्लिक कर देना है और इसको जो है पकड़ के यहाँ पे इस पर क्लिक कर देना है। एंड इसके बाद इसको जो है यहाँ से डिलीट कर देना है ठीक है। तो आप लोग जैसे ही यहाँ पे देखिए इस वीडियो को यहाँ से डिलीट कर देंगे तो यहाँ पे देखिए ये वीडियो ही रिमूव हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे मीडिया वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और उसके बाद जो भी आप लोग बैकग्राउंड कलर जो है रखना चाहते हो तो उस कलर को सिलेक्ट भी कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक पिक्चर्स को डाउनलोड कर रखा था, उसको मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे देखिए यहाँ पे देखिए एक ये वाला है फोटो ठीक है, तो इस फोटो को मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो इस वीडियो का पूरा बैकग्राउंड रिमूव है ठीक है। ऊपर वाला जो इफेक्ट मैंने अभी इमेज सेट किया है, ऊपर वाला जो फोटो मैंने सेलेक्ट किया है केवल वही फोटो आया है यहाँ पे ठीक है। और कुछ इस तरह से पैन एंड जूम वाले ऑप्शन पे मैं क्लिक कर देता हूँ, इसको जूम कुछ इस तरह से कर देता हूँ ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इस वीडियोज़ का जो बैकग्राउंड है पूरी तरह से रिमूव हो गया है। और यहाँ पे देखिए इस तरह से कोई दूसरा इमेज भी सिलेक्ट कर सकते हो जो भी बैकग्राउंड सेटअप के लिए आप लोग रखना चाहते हो। तो दोस्तों फाइनली आप लोगों ने देख लिया यहाँ पे किस तरह से आप लोग किसी भी वीडियोज़ का बैकग्राउंड उसको ब्लर या फिर चेंज कर सकते हो। एंड यहाँ पे मैंने पूरा प्रोसेस आपको बता दिया है। एंड अगर आप लोग इसी तरह से इन सभी स्टेप को फॉलो करके वीडियोज़ का बैकग्राउंड चेंज या फिर ब्लर करते हो तो आप लोग इजीली से यहाँ पे किसी वीडियोज़ का बैकग्राउंड ब्लर या फिर चेंज कर सकते हो। एंड दोस्तों बहुत
सारे ऐसे क्रिएटर हैं जो कि बताते हैं कि ग्रीन स्क्रीन इसके लिए होना जरूरी है। एंड दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको बताया है, अगर आपके पास ग्रीन स्क्रीन नहीं भी है तो भी आप किसी भी वीडियोज का यहाँ से बैकग्राउंड ब्लर या फिर चेंज कर सकते हो। तो दोस्तों आई होप आप लोग सीख गए होंगे किस तरह से वीडियोज का बैकग्राउंड चेंज करना है। एंड आई होप आपको वीडियो भी पसंद आया होगा। एंड वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एंड मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।